यहाँ पर हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये कस्टमाइज फॉर्मेट आप अपने लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो कस्टमाइज फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम पेज के लेआउट को नैरो कर देंगे। लेआउट के अंदर जाएंगे, मार्जिन के अंदर जाके इसको नैरो कर देंगे। यहाँ पर अब हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप 5x6 की टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसी 5x6 की टेबल के अंदर हम अपना पूरा फॉर्मेट को रेडी करेंगे। सबसे पहले इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे। लेआउट के अंदर जाएंगे, इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, एक बार रख के खींच देंगे तो ये जो बीच की लाइन है वो हट जाएंगी। अब इसके अंदर हम टाइप करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले होम पे जाके इसको सेंटर में करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे टैक्स इनवॉइस या कैश इनवॉइस। इसके नीचे हमारी शॉप का नाम आ जाएगा। इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं। शॉप के नाम के बाद शॉप का एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम किस किस चीज़ के अंदर डील करते हैं। यहाँ पर अब हम कोई भी शेप को इंसर्ट कर देंगे। शेप के अंदर लोगो आ जाएंगे जिस जिस कंपनी के अंदर हम डील करते हैं। पहले शेप को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप्स, यहाँ पर आप चाहे तो रेक्टेंगल ले सकते हैं, ओवल ले सकते हैं। इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पांच बहुत होंगे ये, इसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो चुकी है हमारी हेडिंग ऊपर की कंप्लीट। अब हमको चाहिए जहां पर हम बायर का डाटा लिख सके। इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे। वापस से लेआउट के अंदर जाके इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और इन लाइन को हटा देंगे। इसके अंदर हम लिखते हैं डेट। इनवॉइस नंबर नेम और एड्रेस। बायर की इंफॉर्मेशन हमारी यहां पे आ जाएगी। इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सारे कॉलम की एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसके लिए इतना बहुत है। इनको बोल्ड कर देते हैं। इसकी हाइट को बढ़ाते हैं। यहाँ पर कम से कम मेरे को इतना साइज इसके लिए चाहिए। यहाँ पर हमारी आइटम की डिस्क्रिप्शन आएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, इसको सेंटर में कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल। इससे भी पहले हम लिख देते हैं ब्रांड। इसके बाद मॉडल IMEI नंबर,
और स्टोरेज। अब क्योंकि हम कोई भी फ़ोन बेचेंगे तो ये चार चीज़ हमको बार बार लिखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े। इनकी हाइट को एडजस्ट करते हैं। वापस से लेआउट वाले के अंदर जाके इरेजर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनको हटा देंगे। अमाउंट इनवर्ट्स, यहाँ पर हमको चाहिए था टैक्स और टोटल, पर अब रो यहाँ पर बची नहीं है तो रो को इंसर्ट करते हैं। लेआउट के अंदर जाएंगे, ड्रॉ टेबल, तो ये पूरी रो बन चुकी है, हमें बस यहीं तक के लिए चाहिए था, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने पे हमारा अमाउंट इनवर्ड्स वो भी इरेज हो गया है, तो वापस से उसको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टैक्स और टोटल। यहाँ पर लास्ट में हमको पूरा ब्लैंक चाहिए, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन लिख देंगे। यहाँ पर कस्टमर के सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके सामने हमारे सिग्नेचर आ जाएंगे। सिग्नेचर के ऊपर हमको चाहिए अपनी कंपनी का नाम, अपनी शॉप का नाम, उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स देंगे। इसके अंदर हम अपनी शॉप का नाम लिख देंगे। इसकी आउटलाइन को हटा देते हैं, तो नो आउटलाइन, तो इसकी आउटलाइन हट जाएगी। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब बस हमको लोगो लगाने रह गए हैं, तो लोगो भी लगा देते हैं। एक बार वापस से जाके इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स देंगे, इसके अंदर हमारा फोन नंबर आ जाएगा। इसकी भी आउटलाइन को हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा फोन नंबर भी आ चुका है। अब लोगो को इंसर्ट करते हैं, शेप को एक बार सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, शेप फिल, यहाँ पर पिक्चर, जहाँ भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये मैंने लोगो डाउनलोड कर रखे हैं, एक एक करके इनको सिलेक्ट कर लेंगे। साथ के साथ इनकी आउटलाइन को हटाते रहेंगे, तो नो आउटलाइन इसको सिलेक्ट करेंगे। लोगो लग चुके हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्मेट बना है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी शॉप का भी लोगो लगा सकते हैं।
ये फॉर्मेट आपका रेडी हो चुका है। इसको आप सेव कर लें। इसकी अब आप चाहे कलर प्रिंट आउट निकलवाएं या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलवाएं, डिज़ाइन जो है वो आपके हिसाब से होगा।